गैलरी आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी 8 वर्सेस रेडमी नोट 10 प्रो के ऊपर, क्योंकि दोनों स्मार्टफोनों की फाइनली कंफर्म स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुकी है, कंफर्म प्राइजिंग बाहर आ चुकी है। दोनों स्मार्टफोनों की जो स्टार्टिंग प्राइजिंग है बेस वेरिएंट की वो है 15,999 रुपीज। इस प्राइस के साथ तो हमें दोनों स्मार्टफोनों के अंदर बिल्कुल भी सिमिलर रैम का सपोर्ट दिया गया है 6GB, लेकिन इंटरनल स्टोरेज को लेकर हमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलने वाले। रियलमी 8 के अंदर हमें इस प्राइस के साथ 128GB इंटरनल का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें इस प्राइस के साथ 64GB इंटरनल का ही सपोर्ट दिया गया है, लेकिन कुछ फीचर अपग्रेडेड भी तो किए गए, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। सो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर फुल कंपैरिजन करने वाले दोनों स्मार्टफोनों के अंदर, क्योंकि लगभग सिमिलर प्राइस के साथ ही हमें दोनों स्मार्टफोन देखने को मिले और फीचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले, तो काफ़ी सारे यूज़र कंफ्यूज में कि भैया कौन सा स्मार्टफोन को परचेज़ किया जाए, कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा जहाँ पर हमें काफ़ी सारे फीचर दिए जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में आप सभी के जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर भी हम लोग ब्रांड को लेकर कोई भी कंपैरिजन नहीं करने वाले, ओनली फीचर वाइज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, तो ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान पर रखना है। सो अब चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोनों की फ्रंट साइड डिस्प्ले से, उसके बाद हम लोग एंड में बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी एंड थिकनेस वगैरह के बारे में। सो यहाँ पर रियलमी 8 के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD+ की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है, विद 60Hz के रिफ्रेश रेट एंड 180Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ, जहाँ पे हमें 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे अगर बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो यहाँ पे हमें 6.6 इंचेस की फुल HD+ की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है, विद 120Hz के हायर रिफ्रेश रेट के साथ, जहाँ पे हमें 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट एंड 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर Redmi Note 10 Pro जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है, तो सीधी सी बात है भैया कि एक पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। यहीं पे अगर दोनों स्मार्टफोनों के रियर कैमराज को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें क्वाड रियर कैमरे का ही सेटअप दिया गया है। Realme 8 के अंदर हमें 64MP की प्राइमरी शूटर का सपोर्ट दिया गया है, 8MP की अल्ट्रा वाइड एंगल, 2MP की माइक्रो सेंसर एंड 2MP की डेप्थ सेंसर। यहीं पे अगर Redmi Note 10 Pro की बात करें, तो यहाँ पे हमें 64MP की प्राइमरी शूटर का सपोर्ट दिया गया है, 8MP की अल्ट्रा वाइड एंगल, लेकिन यहाँ पे 5MP की माइक्रो शूटर का सपोर्ट दिया गया है एंड 2MP की डेप्थ सेंसर। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपग्रेडेड मिल रहा है मैक्रो शूटर Redmi Note 10 Pro के ऊपर, बट जो प्राइमरी शूटर है वो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर बिल्कुल भी सिमिलर हमें देखने को मिला है। बट हम मेगापिक्सल बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, मैं आपको हर एक कंपैरिजन वाले वीडियो के ऊपर बताता आ रहा हूँ। सारा खेल होता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का, कि कौन सी कंपनी अपने स्मार्टफोनों की कैमराज को कितना सॉफ्टवेयर के थ्रू इम्प्रूव कर रहे हैं, सारा खेल होता है इसका। बट हाँ, दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 64MP की मेन शूटर का सपोर्ट दिया गया है, तो एक एक पॉइंट चला जाता है दोनों स्मार्टफोनों को। और Redmi Note 10 Pro के अंदर मैक्रो शूटर को लेकर अपग्रेड किया गया, 5MP दिया गया, और Realme 8 के अंदर हमें 2MP का ही दिया गया, तो एक पॉइंट और चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। यहीं पे अगर फ्रंट साइड सेल्फी को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 16MP की पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया गया है। Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें सेंटर पंच होल और Realme 8 के अंदर हमें साइड पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे सेल्फी को लेकर दोनों स्मार्टफोनों के अंदर सिमिलर एक एक पॉइंट चला जाता है। यहीं पे अगर बात करें दोनों स्मार्टफोनों की बैटरी एंड इसकी चार्जिंग स्पीड की, तो Realme 8 के अंदर हमें 5000mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है, और इसे चार्ज करने के लिए 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें 5020mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है, और इसे चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड को लेकर माइनर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, बट आप कंपैरिजन कर रहे तो एक पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। और अब फाइनली हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। देखो, दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 4G कनेक्टिविटी की ही सपोर्ट वाली चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है, तो 5G और 4G को लेकर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 4G चिपसेट का ही सपोर्ट दिया गया है। Realme 8 के अंदर हमें Helio G95 की चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है, और Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें Snapdragon 732G की 4G चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है। अब बात करें कि परफॉर्मेंस को लेकर कौन सबसे ज़्यादा बेटर होगा, तो देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर स्नैपड्रैगन 732G की काफ़ी ज़्यादा स्कोर हमें एंटूथ बेंचमार्क स्कोर पे देखने को मिली है, ज़्यादा नहीं है बट फिर भी यहाँ Helio G95 से थोड़ी सी बेटर स्कोर हमें देखने को मिली है।
इसके अलावा 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड है 732G, यहीं पे हीलियो G95 जो है वो 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड है। तो इस पे ही अंदाज़ा लग रहा है कि 732G की हमें थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है और हीटिंग इशू भी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ही नैनोमीटर इंक्रीज़ रहेगा, जैसे 12 रहेगा 13 रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ी हीटिंग इशू हमें देखने को मिलती है, और जितना कम रहेगा 6 रहेगा 7 रहेगा नैनोमीटर, उतना ही हीटिंग इशू कम हमें देखने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है। बट इस पर भी सारा खेल होता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का, कौन सी कंपनी कितनी सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ कर रही है अपडेट के थ्रू। बट थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस हमें 732G वाले चिपसेट के ऊपर मिलने वाले हैं, क्योंकि स्कोर्स में भी थोड़े से आगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज टाइप की, तो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें LPDDR4X रैम टाइप्स का सपोर्ट दिया गया है, और Realme 8 के अंदर UFS 2.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Redmi Note 10 Pro के अंदर UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट दिया गया है। तो इसको लेकर दोनों स्मार्टफोनों के अंदर बिल्कुल कॉमन सी डिफरेंस है, तो इस चीज़ को लेकर मैं दोनों स्मार्टफोनों को एक भी पॉइंट नहीं देना चाहूँगा। इसके अलावा अदर डिटेल्स की बात करें तो Realme 8 हमें सिंगल स्पीकर के साथ देखने को मिला है डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के साथ, यहीं पे Redmi Note 10 Pro हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ देखने को मिला है, और यहाँ पे भी हमें डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे स्पीकर्स को भी लेकर एक पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। इसके अलावा Realme 8 के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट दिया गया है, और Redmi Note 10 Pro के अंदर सुपर एमोलेड होने के बाद भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें मॉड फिंगरप्रिंट का ही सपोर्ट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक फीचर अपग्रेडेड हमेशा की तरह होता है Redmi के किसी भी सीरीज के साथ, IR ब्लास्टर। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो दोनों को सिमिलर में देना चाहूँगा, क्योंकि एक में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो एक में IR ब्लास्टर का सपोर्ट दिया गया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें दोनों स्मार्टफोनों के फीचर को लेकर देखने को मिले। अब बात करें फाइनली दोनों स्मार्टफोनों की बैक बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन इस बार हमें न्यू लुक एंड डिफरेंट लुक के साथ देखने को मिले। Realme 8 हमें पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक बॉडी के साथ देखने को मिली है, जबकि Redmi Note 10 Pro हमें फ्रॉस्टेड ग्लास बैक के साथ देखने को मिली है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ होगी। अब दोनों ही स्मार्टफोनों की अलग अलग एडवांटेज होगी, एक को आपको गिरने से बचाना है, एक को स्क्रैचेस से बचाना है, तो दोनों की अलग अलग एडवांटेज है। अब आपको कौन सा पसंद आता है ये आपकी ओपिनियन होगी। इसके अलावा वेट एंड थिकनेस की बात करें तो Realme 8 जो है वो हमें 8mm की थिकनेस पर देखने को मिला है एंड 177 ग्राम वेट के साथ देखने को मिला है। यहीं पे Redmi Note 10 Pro की बात करें तो ये हमें 8.1mm के थिकनेस पर देखने को मिला है एंड 192 ग्राम वेट के साथ देखने को मिला है। तो हाँ, थोड़ी सी बल्कि आपको देखने को मिलने वाली है Redmi Note 10 Pro as compared to Realme 8। तो यहाँ पे मैं किसी को भी पॉइंट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि Realme 8 हमें पॉलीकार्बोनेट की बॉडी के साथ देखने को मिला है और इसकी वेट थोड़ी सी कम है, और यहीं पे Redmi Note 10 Pro में फ्रॉस्टेड ग्लास बॉडी के साथ देखने को मिला है, तो थोड़ी सी वेट यहाँ पे ज़्यादा है। तो दोनों की अलग अलग एडवांटेज है, तो मैं किसी को भी पॉइंट नहीं देना चाहता हूँ। अब फाइनली हम लोग आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि फीचर के मामले में कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने वाला स्मार्टफोन है, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर स्वप हो रही है, जो कि है Redmi Note 10 Pro। अब यहाँ पे मेरी ओपिनियन क्या रहेगी, मेरी तरफ से आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र जो है वो UI को लेकर भी किसी एक स्मार्टफोन को परचेज़ करते हैं, जैसे किसी को MIUI पसंद नहीं है तो किसी को Realme UI पसंद है, तो वो Realme UI के चक्कर में Realme के स्मार्टफोन को लेते हैं, और कुछ लोगों को MIUI पसंद होता है तो MIUI के चक्कर में वो लोग Redmi के स्मार्टफोन को लेते हैं। तो ये सभी चीज़ भी आपको ध्यान पर रखना है, क्योंकि स्मार्टफोन लेने के बाद आपको UI से ही पल्ला पड़ने वाला है, तो ये सभी चीज़ भी आपको ध्यान पर रखना है, उसके बाद किसी एक स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। फिलहाल जो मेरी वीडियो थी वो आपको कैसी लगी ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।